उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि भाजपा ने अपने कामों और मोदी की वजह से जनता का दिल जीता है। इसी वजह से भाजपा अब कर्नाटक जीत हासिल करने जा रही है। गदरपुर के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कर्नाटक चुनाव में प्रचार अभियान से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत ऋषिकेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस अवसर पर अरविंद पांडे ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और वहां पर जनता का भाजपा के प्रति विश्वास और निष्ठा देखकर यह प्रतीत होता है कि इस बार हम पिछली बार से अधिक बंपर वोटों से विजय होकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाजपा राष्ट्र निर्माण की राजनीति में विश्वास रखती है। कर्नाटक की जनता से मिले प्रेम स्नेह के वे सदैव आभारी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश के अंदर आम जनता मोदी जी पे विश्वास कर रही है और कर्नाटक चुनाव में जो वर्तमान की गवर्नमेंट थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने अपने काम की वजह से जनता का दिल जीता है। कर्नाटक की जनता भी चाहती है कि डबल इंजन की गवर्नमेंट होने से स्टेट का भला है, तो डबल इंजन पे लोगों ने विश्वास किया। और मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड वासियों को बताना चाहता हूँ कि 70% कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट करने जा रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।